ये रावण बनने की एक्टिंग गौतम जी आए ना। हाँ इस दीपावली मेले में गाइस हम लोग आए हैं दिवाली मेले में, चलते हैं अंदर ही तरफ देखते हैं। अभी तो मैं गेट के फ्रंट पे भी नहीं हूँ, अभी गेट के फ्रंट पे जाऊंगा गाइस तो देखता हूँ वहाँ पे। बस गाइस चलते हैं अंदर, देखिए रौनक कितनी तेज है, मतलब बहुत तेज रोशनी है। तो गाइस ये रहा गेट यहाँ का दिवाली मेले का, दशहरे मेले का भी आपने देखा होगा लगभग था। अच्छा तो ये तो काफी अच्छा लग रहा है, गेट कितना प्यारा बना है। और हम आए हैं सर जी और यक्षी मना जगा रहा हूँ, चलते अंदर। गाइस भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है आज, मुझे लग रहा है आज लास्ट डे है ना दिवाली मेले का, तो बहुत ज्यादा भीड़ है आज। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, इतनी तो आई थिंक दशहरे मेले में भी नहीं थी, दिवाली मेले में कुछ ज्यादा ही भीड़ है। देखिए कितने सारे पासिस पड़े हुए, मुझे लग रहा है मैक्सिमम पब्लिक पासिस से ही आ रही है। ये भैया चेक कर रहे हैं, गाइस देखिए अंदर आ चुके हम लोग दिवाली मेले में। यहाँ पे ब्रह्म कुमारी मतलब जो दीदी है, मतलब उनका लगा स्टॉल, और बाकी स्टॉल जनरली जो स्टॉल लगते हैं एक तरीका स्टॉल लगने का, यहाँ पर वही उस तरीके से लगे हुए हैं। आई मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर प्रोग्राम नए हैं तो वो हमें देखने के लिए बनते हैं। और अच्छा स्टेज शो चल रहा है इधर क्या जी, पहले की तरह अजंता का स्टॉल लगा, और इसमें भगवान जी के अंदर भगवान जी की लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएँ लगी हैं। पहले देवी जी लगी थी, अब लक्ष्मी गणेश जी हैं, बाकी ऐसे सजा हुआ ही। चलते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ कुछ सजा होगा जैसे पहले सजा था। भैया रावण बनने की एक्टिंग कर रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है आज, साइड में लगे स्टॉल लेकिन भीड़ आज बहुत ज़्यादा है। श्वेता जी अभी बहुत जल्दी वापस आ रही है, मतलब मुझे देख के ही कैसे जी आ रहे हैं, संचित जी आ रहे हैं। गाइस मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये बैलेंस कैसे कर रहे हैं यार। गाइस एक और जगह लगा दिया कुछ पता नहीं क्या लगा, फ्रेंड्स ठीक है गाइस यहां पे एक और पटाखे चल गए गाइस, यहां पे लगा स्टेज शो अगले परफॉर्मेंस का। दिस इज टू हैव द गाइस जिसने पार्टिसिपेट किया है वो किड स्टेज पर पहुंचे जो कि फुल कोर्ट के पास है। किस किस ने लिया दिल, मतलब किस किस की शादी हो गई, कौन कौन है चुरा लिया। और नीचे उधर गिरिया चला रहे लोग, मिस्टर पंकज पटेल, मिस्टर अथक पटेल जहाँ कहीं हो वो उनकी आपका इंतजार कर रही है। तो बता रही है कि पंकज जी इस महीने में हो गए हैं, पंकज पटेल जिनपे एक आपका सम्मान है, जिनका स्टेज पर आना है, आपके मेहनत पूर्व है सचिव महोदय। Thank you.
क्या हो रहा है यही तंदूरी चाय का स्टॉल लगा है, पता नहीं क्या तंदूरी चाय दे रहे हैं, देखते हैं कुछ डाल। बाकी यहाँ ट्रैकर शो लगा था वो पड़ा, बहुत देर से बज रहा है, मैंने कहा बीच में शूट भी नहीं कर रहा। हेलो गाइस, कौन आया? उमेश गौतम जी आए ना? हाँ गाइस, उमेश गौतम जी आए हैं, अभी स्टेज पे चलते हैं वहीं पे। सुशील अस्थाना जी मौजूद हैं, हम उनको इन जैसा सौम्य और मधुर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपका इस और हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि एक माला लेकर आए, राहुल जायसवाल जी एक माला लेकर आए। इस दीपावली मेले में रोटरी क्लब के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम और राहुल जायसवाल जी जो मेले के डायरेक्टर हैं, सभी लोग गाइस कैप्टन क्राफ्टर का ये फसल सर हुआ है, वैसे ही सर हुआ ये कैप्टन क्राफ्टर आई थिंक मेक इट हैपन लेकर ये कुछ लिख रखा है कैप्टन क्राफ्टर के उस फिल्म के आगे 1000+ करोड़ लोन डिस्बर्स। और बाकी लगे हैं यहाँ पर स्टॉल, ये पीछे साइड में काफ़ी सारे स्टॉल्स के लिए। तो कैप्टन क्राफ्टर है और सृष्टि बोर्ड पे जो कि इनके मेन स्पॉन्सर है, सामने भी लिखा हुआ है ये लोग हैं माइक है मेरा और ये लगा है शेर का स्वाद का खजाना प्रयाग, सिटी टावर का भी लगा हुआ है यहाँ पर। गाइस यहाँ भीड़ तो बहुत है, चलते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे कैंपर की और सिरमौर नमकीन है, कोई सिरमौर नमकीन है पीछे बेक वेल करके लगी हुई है, ये जो बेक वेल करके लगी है तो सिरमौर की नमकीन बेच रही है, मतलब अच्छी है खाने में बोली। और बाकी यहाँ पे उमेश गौतम जी आए हैं और हमारे जो सभासद है डिप्टी मेयर है वो भी आए थे, काफ़ी लोग आए हैं, तो फिलहाल हम लोग तो चलते हैं यहाँ से, अभी चलते हैं यहाँ से। वैसे यक्षु मना तो सो है, हम लोग चलते हैं पिछले गेट की तरफ, कैसे कैसे चलते हैं आप रोटरी क्लब के मेले से, मतलब ये यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था गवर्नमेंट के अप्रूव वेंडर मिले हैं। गाइस जैसे कि ये मैंने सोलर रूफटॉप के मिले, मैंने भी अप्लाई कर रखा है, तो लगवाना है तो सब्सिडी तब मिलेगी जब अप्रूवल मिल जाएगा, तो मैंने भैया से गाइस चलते हैं अभी तो फिलहाल, मतलब ये हमने पर्चा ले लिया, जब अप्रूवल मिलेगा तो कुछ होता है इसमें, चलते हैं। गाइस झूले वाली तरफ तो जाएंगे नहीं क्योंकि झूले तो वैसे ही लगे रहते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं पिछले गेट से बाहर की तरफ। अब गाइस थोड़ी भीड़ कम हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चलो गाइस यहाँ पे फ्रंट गेट से तो भीड़ कम है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गाइस इसके बैक गेट से निकले थे और फ्रंट गेट से आ चुके हैं, देखिए अभी भी कितनी भीड़ है यहाँ पे, अच्छी खासी भीड़ है। अच्छा लग रहा है ना भाई साहब? ओ भाई साहब।